स्टेशन पर बने टॉयलेट में अगर आप पेशाब करने जाते हैं तो 2 से 5 रुपए तक लगते हैं, इससे ज्यादा 10 रुपए लग जाएंगे। लेकिन इसे बचाने के चक्कर में भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को 6,000 रुपए गंवाने पड़े हैं। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में पेशाब करने के लिए घुस गए। इस दौरान गेट लॉक हो गया और ट्रेन चल दी। इसके बाद जो अब्दुल कादिर हैं, जो गलती से घुस गए, उनकी पत्नी और बेटा भी स्टेशन पर छूट गए। दोनों यहां परेशान होते रहे और ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकी। अब्दुल कादिर को जाकर भोपाल से 174 किलोमीटर दूर उज्जैन में उतरना पड़ा। वंदे भारत एक्सप्रेस में उज्जैन तक जाने के लिए उस आदमी को 1,020 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा है। साथ ही भोपाल लौटने के लिए वापस 700 रुपए का टिकट भी लेना पड़ा। वहीं भोपाल से सिंगरौली जाने के लिए उसने सेकंड एसी में टिकट लिया था, जो बुकिंग थी, वो ट्रेन छूट जाने की वजह से 4,000 रुपए के टिकट वो भी उसे गंवाने पड़ गए। ये सारा नुकसान सिर्फ 2 मिनट वाली गलती की वजह से हुआ है। ये पूरी घटना 15 जुलाई की है। एमपी के सिंगरौली के रहने वाले परिवार दक्षिण एक्सप्रेस में सवार होकर हैदराबाद से भोपाल पहुंचे थे। भोपाल से 720 किलोमीटर दूर सिंगरौली जाने के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन से उस परिवार का टिकट था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इंदौर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। देखने में वंदे भारत एक्सप्रेस उन्हें बड़ी आकर्षक लगी तो वो पेशाब करने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि ट्रेन खुलने से महज 60 सेकंड का समय बचा है। शाम को 7:25 पर ट्रेन का गेट लॉक हो गया और वंदे भारत एक्सप्रेस चल दी। उस आदमी को जब इसका एहसास हुआ तो टॉयलेट से निकलकर गेट की तरफ भागा, लेकिन बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। उसने ट्रेन रुकवाने के लिए स्टाफ से मिन्नतें की और जब उन्हें बताया कि रात 9:30 अगले स्टॉपेज उज्जैन में दरवाजे खुलेंगे, इसके बाद वो सुनकर हैरान रह गया। इसके बाद टीटी ने यात्री से जुर्माना भी वसूला है। अब्दुल कादिर उज्जैन में जाकर उतरे हैं और वहां से वापस आने के लिए बस का टिकट लिया है, जिसके लिए उन्होंने 700 रुपए खर्च किए। वहीं पत्नी और बेटा भोपाल में उसी प्लेटफॉर्म पर उसका इंतजार कर रहे थे। भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। एक अधिकारी ने कहा है कि हर प्लेटफॉर्म पर शौचालय है, टॉयलेट का उपयोग करने के लिए ट्रेन में चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको भी अगर ये 2 मिनट की कभी आवश्यकता पड़े तो गलती से भी ऐसी कोई गलती ना कर दें कि 2 रुपए की जगह आपको 1,000 रुपए गंवाने पड़े।